हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी की एक्सपायरी के लिए पर्सनल तौर पर मैंने आपको कल एक लेवल दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर अगर अपसाइड की तरफ निकलता है तो इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स इस तरीके की बनती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, अपसाइड की तरफ मैंने आपको लेवल दिया था 25,640। ठीक है, और उसके बाद में हमारा लेवल था 25,700 कुछ क्या करके, बट मार्केट अपसाइड की तरफ गया और 25,612 का हाई लगा करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया। ऐसा क्यों हुआ? कल का वीडियो अगर आपने गौर से देखा हो तो एक एक वर्ड के अंदर हर चीज को बिल्कुल क्लीन तरीके से बताया गया था कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो इस लेवल के बाद में ग्रीन कैंडल बनाते हुए, इस तरीके से दो ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, फिर चाहे मार्केट झटके से गिर जाए, बट इस लेवल के ऊपर दो कैंडल इस तरीके की बन सकती है। और मार्केट हमें मॉर्निंग में इस तरीके की कैंडल दिखा था, हालांकि अपसाइड की तरफ जाते ही, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आपका मार्केट 25,380 के आसपास क्लोज हो, मार्केट के ओपनिंग 25,520 के 500 25,520 के आसपास हो रही हो, और वहां से मार्केट और आपका लगभग लगभग 100 पॉइंट और अपसाइड की तरफ चले जाए, तो हमें बाय अपसाइड की तरफ 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अपसाइड की तरफ जाता है, जाने के बाद आपके सेलर्स या बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर इस तरीके का मामला हमें देखने को मिलता है। अगेन मार्केट कहाँ आकर के अटक गया, जो लेवल जिस लेवल के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपका ये वाला लेवल, और मार्केट बार 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 इसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, जो लेवल है आपका 25,400 का लेवल। ठीक है, यही मार्केट आता है और यही मार्केट आपका क्लोजिंग देता है 25,400 की। जो लास्ट वाली कैंडल है ये वाली क्लोजिंग नहीं है, मार्केट ने क्लोज 25,400 के आसपास किया है। कल मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क हो सकता है, कल मार्केट किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है, बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर वही सीन हमें देखने को मिले, मार्केट ने हमारे 53,000 की साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट आपका 52,900 तक आता और यहीं पर आपकी इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग करता है। जो आज का मार्केट था बैंक निफ्टी का, कुछ खास मार्केट नहीं था, मूवमेंट थी निफ्टी के अंदर, और मॉर्निंग से मैं निफ्टी की ही बात कर रहा था। क्या था एक्चुअली, मैं कहीं बायर्स जो ट्रेडर है उनको हाल फिलहाल यही पता नहीं है कि आज मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर कौन से इंडेक्स के अंदर मूवमेंट है, वो निफ्टी के अंदर है या बैंक निफ्टी के अंदर या किसी और अदर, जैसे कि मिड कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर अच्छा खासा फॉल था, कल भी वीडियो में बताया था, आज से पहले संडे वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको क्लीन कट में बताया था कि कभी भी मार्केट 13,000 के आसपास आ सकता है और आता है। ठीक है, और आज ये मार्केट आपके फर्स्ट कैंडल के अंदर घूमता हुआ हमें दिखाई दिया, जो आज 19 तारीख का बैंक निफ्टी का मार्केट था, आज फर्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट आपका घूमता हुआ दिखाई दिया। कुछ खास बैंक निफ्टी के अंदर नहीं था, निफ्टी के अंदर शुरुआती मूवमेंट जबरदस्त थी अपसाइड, फिर उसके बाद में डाउन साइड जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ, तो मार्केट के अंदर अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट कब हो सकती है, तो मैं आपको एक क्लीन चीज बता दूं, मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ से एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट डाउन साइड की तरफ से आपका एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट ठीक है, और इसके बाद में अगर थर्ड अटेम्प्ट होता है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। फॉल कब आएगा? फॉल आएगा केवल और केवल इस लेवल के नीचे, लेवल कितना है 52,800, इस लेवल को गौर से याद रखना, इस लेवल के बाद में ही एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। एक अच्छी खासी तेजी हमें कब देखने को मिल सकती है, तो केवल और केवल 53,500 के साइकोलॉजिक लेवल को याद रखना, इस लेवल से पहले कुछ भी बड़ा
मार्केट एक्सेप्ट मत करना, कुछ भी बड़ा मत सोचना कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है या मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। कल आपको फ्राइडे रहने वाला है और जहां तक मैं देख रहा हूँ आपकी कल मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपका मार्केट कल बुझा बुझा नहीं रहेगा, आपका मार्केट चाहे वॉलेटाइल होकर के मूवमेंट करे चाहे, बट मार्केट आपका एक जगह शांत नहीं रहेगा। जिस तरीके से आप आज बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल के अंदर घूमता रहा वैसा मार्केट आज हमें कल देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान ये रखना है 52,800 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो जो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं वो लेवल होंगे 52,680। उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 52,550, और 52,550 के लेवल के आसपास में मार्केट आपका एक बार इस लेवल को रेस्पेक्ट कर सकता है। इस लेवल से अगेन मार्केट 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट करके वापिस अगर डाउन साइड की तरफ जाए और 52,000 कौन सा लेवल, 52,464 के लेवल को अगर ब्रेक कर दे, 464 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 52,200 का लेवल डाउन साइड की तरफ। ठीक है, बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ। केवल और केवल अपसाइड की तरफ अगर आपको देखना है तो केवल और केवल 53,500 के साइकोलॉजिक लेवल के बाद में ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद में मार्केट हमें लगभग लगभग 200 से लेकर के 300 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। मार्केट जा सकता है 53,700 और उसके बाद में मार्केट जा सकता है 53,850 की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। दूसरी बात ये है कि आज आपका बैंक निफ्टी जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ HDFC बैंक के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, और आपका जो निफ्टी है वो रिलायंस के अकॉर्डिंग चलता है। दोनों पॉजिटिव थे बट कहीं ना कहीं मार्केट आपके स्टॉक को फॉलो नहीं कर रहा था, इंडेक्स स्टॉक को फॉलो नहीं कर रहा था। HDFC के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट थी, ICICI के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट थी, और जो आपका HDFC बैंक है वो कहीं ना कहीं 1700 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है। आज हमें जो क्लोजिंग मिली है वो है 1716 की, यहाँ पर आपको 1714 दिखाई दे रहा है बट जो क्लोजिंग है वो 1716 या 17 के आसपास की क्लोजिंग है। HDFC के अंदर आपको एक लेवल याद रखना है और उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू कर दे 1722, इस लेवल का ध्यान रखना, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होकर के अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर दे और चल करके 1728 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 1735, 1746 और 1753 ये लेवल अपसाइड की तरफ हमें HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ अगर HDFC के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसके बाद में मार्केट जैसे कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें 53,800 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर वही वाले लेवल है, निफ्टी आपकी डाउन साइड की तरफ एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है, ये वाली ट्रेड लाइन, और आज भी मार्केट ने इसको जबरदस्त तरीके से फॉलो किया है। अपसाइड की तरफ मार्केट गया था बट सस्टेन नहीं हो पाया। जिस तरीके से मार्केट आपका 200 पॉइंट की 200 या 220 पॉइंट की मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता है और वहीं से मार्केट के अंदर एक फॉल आता है, ठीक है, ये नेचुरल फॉल है। कल भी बताया था कि मार्केट के अंदर दो कैंडल इस तरीके की बनने के बाद मार्केट चाहे गिर जाए तो ये नेचुरल फॉल है। कारण क्या था, बेस क्या था, कहीं ना कहीं जब मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं जो आपके बायर थे मार्केट के अंदर फंसे हुए थे, मार्केट के अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ गया इन्होंने अपनी पोजिशन को बुक किया है और उसके बाद में मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला है। तो ये फॉल एक तरीके से नेगेटिव सिग्नल नहीं है, मार्केट के अंदर हाल फिलहाल का जो सीन बना हुआ है वो पॉजिटिव है। और डाउन साइड के बारे में अगर बात करें, डाउन साइड की तरफ अगर निफ्टी के अंदर देखेंगे तो केवल और केवल इस लेवल के नीचे जो लेवल है आपका 25,338, इस लेवल के नीचे ही सोचेंगे। अपसाइड की तरफ कब सोचेंगे, केवल और केवल 25,525 मान लीजिए, आपको याद रहेगा 25, 525 ये लेवल आपको याद रहेगा।
ये दो लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर हाल फिलहाल हम नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हम होंगे केवल और केवल 25,250 के नीचे ही। डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, उससे पहले कुछ भी डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना। मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है उसके बाद में हमें मार्केट अगेन ये मूवमेंट दिखा सकता है 25,580, उसके बाद में 25,640 और उसके बाद में 25,680 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर, सेंसेक्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए सेंसेक्स का चार्ट है बड़ा बड़ा पेचीदा बना हुआ है। और पहले तो वीकली लेवल में आपको समझा देता हूँ, वीकली लेवल के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेंज को फॉलो कर रहा है। एक इस तरीके की आपकी ट्रेड लाइन चल रही है जिसे मार्केट बार बार फॉलो कर रहा है। फिर भी अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो यहाँ से समझने की कोशिश करना, 4 वीक से मार्केट इस लेवल को फॉलो कर रहा है, 4 वीक से मार्केट इस लेवल को फॉलो कर रहा है। मार्केट कभी भी बिग अपसाइड की तरफ जाती है, ठीक है, बट कभी भी मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश भी करता है बट सस्टेन नहीं हो पाता, ठीक है। अपसाइड की तरफ लेवल सुनो 83,432, दो लेवल आपके लिए रहने वाले हैं 83,432। और डाउन साइड की तरफ बात करें केवल और केवल आपका ये लेवल लेवल है आपका 82,640, ये लेवल आपके लिए कल के लिए रहने वाले इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल या अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर 300 से लेकर के 450 पॉइंट के मूवमेंट आपका मार्केट आपको अपसाइड या डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं आपके वन डे के चार्ट के ऊपर। देखिए वन डे के चार्ट के अंदर आपको अलग सीन समझ में आएगा, वीकली चार्ट के ऊपर आपको एक अलग सीन समझ में आएगा। मार्केट 4 वीक से एक लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और 4 वीक से मार्केट एक लेवल के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है बट मार्केट आपका सस्टेन नहीं हो पा रहा। और ये लेवल कौन सा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, ये लेवल और ये लेवल, इस तरीके से आपको एक ट्रेड लाइन देखने को मिलने वाली है। मार्केट इसके ऊपर निकलता है, कई बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है। आज मार्केट इसके ऊपर निकला, हैवी गैप अप ओपनिंग हुई बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। नीचे की तरफ से आपको एक चैनल देखने को मिलेगी कि मार्केट एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। ये चैनल के अंदर मार्केट कब से वर्क कर रहा है, आपका मार्केट आपका वर्क कर रहा है 13 तारीख से, ठीक है, 13, 16, 18 और इस तरीके से मार्केट वर्क आपका कर रहा है। एक अच्छा खासा होल जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ आपका इस लेवल के नीचे। कौन सा वाला लेवल है, 82,750, ठीक है, इसके नीचे हमें एक अच्छा खासा होल देखने को मिल सकता है। बाकी अपसाइड की तरफ बात करें, अपसाइड की तरफ जब तक मार्केट आपका 83,400 के अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं हो जाता तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। इस चैनल को खास करके आप लगा करके रखना, जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है तब तक एक अच्छा खासा लेवल देखने को नहीं मिल सकता बट इस लेवल के अपसाइड या डाउन साइड हमें एक अच्छी खासी रॉकेट वाली मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना था, बाकी अगर कुछ अलग होता है या मार्केट के अंदर हैवी गैप अप ओपनिंग या हैवी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।